खबर हनुमानगढ़ से है, जहां महात्मा गांधी की 150वीं जयंती एवं स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर अगस्त क्रांति सप्ताह के अंतर्गत जिला एवं सभी ब्लॉक मुख्यालय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर अगस्त क्रांति सप्ताह के अंतर्गत 9 से 15 अगस्त तक होने वाले कार्यक्रमों को लेकर कलेक्टर सभागार में SDM रामरतन सौंकरिया की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक श्रवण तंवर एवं सह संयोजक तरुण विजय समेत विभिन्न पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में महात्मा गांधी जीवन दर्शन जिला स्तरीय समिति के संयोजक श्रवण तंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री महात्मा गांधी के दर्शन को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। आज पूरा विश्व महात्मा गांधी के दर्शन को मानता है। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति भी जिला और ब्लॉक में आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रम में पूरा सहयोग करेगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सौंकरिया ने बताया कि बैठक में तय किए कार्यक्रम के अनुसार 9 अगस्त को सुबह 7 बजे हिंद स्वराज अपनाओ सामाजिक सरोकार बढ़ाओ रैली का आयोजन जंक्शन से भगत सिंह चौक से रवाना होकर रेलवे स्टेशन बस स्टैंड राजीव चौक होते हुए भगत सिंह चौक पर इसका समापन होगा। 10 अगस्त को गांधी दर्शन की वर्तमान जीवन में प्रासंगिकता विषय पर संगोष्ठी का आयोजन राजकीय NMPG कॉलेज टाउन में सुबह 11:30 बजे किया जाएगा। 11 अगस्त को सुबह 7 बजे साइकिल रैली का आयोजन जंक्शन में भगत सिंह चौक से टाउन भारत माता चौक तक किया जाएगा। 12 अगस्त से सुबह 7 बजे श्रमदान का आयोजन वार्ड नंबर 37 हनुमानगढ़ टाउन रेलवे स्टेशन के सामने रखा गया है। 13 अगस्त को सुबह 7 बजे पौधारोपण का कार्यक्रम जंक्शन स्थित पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर में बनी हुई बापू वाटिका में। 14 अगस्त को सुबह 6:30 बजे क्रिकेट का मैच आयोजन प्रशासन एवं न्याय विभाग के मध्य बीबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज जंक्शन में। 15 अगस्त को रक्तदान शिविर का आयोजन शाम 4 बजे राजकीय जिला चिकित्सालय में किया जाएगा। SDM ने बताया कि इसी तरह 20 से 26 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। सेमिनार भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के जीवन पर, 12 और 13 दोनों में सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई सेमिनार से शुरू का आयोजन, 14 में सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान। महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्ष जयंती के उपलक्ष्य में स्टेट गवर्नमेंट से जो गाइडलाइन आई है उसके अनुसार 9 अगस्त से 15 अगस्त तक जो अगस्त क्रांति सप्ताह मनाया जाना है, उसके बाद में 20 अगस्त से 26 अगस्त तक फिर कार्यक्रम होंगे, तो इनकी प्रतिदिन की कार्य योजनाएँ बनाने के लिए हमने माननीय संयोजक महोदय और सभी जो गांधी दर्शन समिति से जुड़े हुए उन लोगों को सादर आमंत्रित किया और सभी विभागों को बुला के आज इसकी रूपरेखा बनाई है। और कल से कार्यक्रम शुरू होगा, रैली के साथ में इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम इसमें हम करेंगे। बाटी आजा राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के द्वारा 9 से 15 अगस्त तक जो जिला सप्ताह का अभियान चालू होगा, आज उस अभियान जो सप्ताह कार्यक्रम है उसको लेकर जिला अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय ने आज हमारी जिला गांधी समिति की बैठक ली, जिसमें 9 से 15 तारीख तक प्रतिदिन जो कार्यक्रम होंगे उसके बारे में विचार विमर्श हुआ है। कल भगत सिंह चौक से लेकर हमने कल जो कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है वो कल जो पद यात्रा निकाली जाएगी, जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं 9 से 15 वो सभी गांधी जी को लेकर हैं। गांधी जी के सिद्धांतों को विचारों को जन जन तक पहुंचाना ये हम सबका उद्देश्य है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री गहलोत जी का जो सपना है कि गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाए, इन कार्यक्रमों का उद्देश्य यही है कि गांधी जी के विचारों को आम जन तक पहुँचाया जाए। उसी के सिलसिले में 9 तारीख से 15 तारीख तक का कार्यक्रम है और अगला कार्यक्रम 20 तारीख से 26 अगस्त तक सप्ताह चलेगा। गांधी जी के जितने भी प्रोग्राम हैं, गांधी जी तो क्या है कि कोई पार्टी से उसका मतलब नहीं है, सभी लोगों से क्या अपील करेंगे इन कार्यक्रम में कैसे शिरकत करेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि गांधी जी कोई आज कोई हमारे भारत के नहीं, पूरी दुनिया पूरा विश्व गांधी जी के विचारों को मान रहा है। आज आप देख रहे हैं कि
अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भी कोई भी समस्या का जो समाधान है वो हिंसा के माध्यम से नहीं हो सकता है, अहिंसा के माध्यम से उनका समाधान हो सकता है। तो गांधी जी कोई एक पार्टी के नहीं है, सभी को गांधी जी को पूरी दुनिया मान रही है और हम लोग भी गांधी जी के विचारों का हमारा प्रयास रहता है समिति का कि हम गांधी जी के विचारों को अपने जीवन में उतारें। और 150वीं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति समारोह समिति की तरफ से 9 अगस्त से ये गांधी दर्शन के माध्यम से पूरे राजस्थान में प्रोग्राम हो रहे हैं और इसी प्रोग्राम के तहत हनुमानगढ़ ज़िले में ये तैयारी के सिलसिले में ये एडीएम साहब की अध्यक्षता में मीटिंग बुलाई गई है ताकि सुचारू रूप से महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के माध्यम से और समारोह समिति के माध्यम से प्रोग्राम संपन्न हो सके।